Hare Krishna. Srimad Bhagavad Geeta, Chapter 2, Text Number 49. अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धशरणं अन्विच्छ कृपणा फलहेतव दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणा फलहेतव दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणा फलहेतव दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणा फलहेतव बुद्धियोगाधनंजय दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणा फलहेतव दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणा फलहेतव। दूरेण का मतलब होता है दूर से ही त्याग दो। कौन सा दूर से त्याग दो? ह्यवरं। ह्य मतलब निश्चय ही, अवरं मतलब घृणित या निंदनीय कर्म। भगवान या अर्जुन को कुछ कर्मों को त्यागने के लिए कह रहे हैं जो कि घृणित कर्म है या निंदनीय कर्म है। बोला उनको तो दूर से ही त्याग दो, वो अभी तक वो दूर दूर है ना, तभी से ही त्याग दो। कीप इट फार अवे, दूर से त्याग दो। और ऐसे कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग का मतलब होता है कृष्ण भावना के बल पर। कैसे त्याग उसको? पहले बुद्धि योग में स्थित हो जाओ और अवरण कर्म है ना, उनको सारों को त्याग दो। और भगवान धनंजय कहते हैं, हे संपत्ति को जीतने वाले। यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहा और आगे कहा भगवान ने, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्ध मना ऐसी चेतना में, कैसी चेतना में? बुद्धि योग में जब आप स्थित होकर अपने अनविच्छित कर्म को या घृणित नंदनीय को कर्मों को त्यागोगे तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्ध मतलब ऐसी चेतना में, शरणम मतलब पूर्ण समर्पित आश्रय, अन्विच्छ मतलब प्रयत्न करो। किस चीज का प्रयत्न करो? कि पूरी तरह से शरण में आ जाओ। और आगे भगवान कहते हैं, कृपणा फल हेतव। कृपणा मतलब कंजूस व्यक्ति, फल हेतव सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। अत्यंत ही सुंदर और सीक्रेट श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्दों में बता रहे हैं कि हमें क्या त्यागना है, किस तरह त्यागना है। अगर नहीं त्यागते तो भगवान की नजर में हम क्या बन जाएंगे। इस अत्यंत ही अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं
स्थापितं येन भूषणे स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातम् सह कणरघुनाथनिदं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते कांचनं गारयि श्राधि वृन्दावनेश्वरि विश्वानुसुतदेवी प्रणमामि हरिभि वंशकल्पतरुभ्यश्च पाशसिन्धुभ्य एव च पतितनां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासवि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ राशि भगवत गीता माते की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण हमें बुद्धि योग के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि बुद्धि योग में स्थित रहकर हम कैसे अपने गृहित अपने निंदनीय कर्मों का परित्याग कर सकते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये बुद्धि योग स्टार्ट किया 39 से कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्धि योग क्या है। भगवान ने बोला 39 में ऐशा पे अभिता संख्य बुद्धि योगा प्रीमांश उसको सुनो। सिर्फ बताया भगवान ने और उसके कर्म किस तरह से करने ये नहीं बताया। भगवान ने ये नहीं बताया कि बुद्धि योग में रहकर कर्म क्या करना। भगवान ने खाली उसको क्या किया था कि उसको डिटेल से बताया कि बुद्धि योग भी क्या होता है। पहले बोला नेहा विक्रमनाश होती प्रत्यवायो नवेद्यते एक इस बुद्धि योग में रहकर कार्य करोगे तो आपके लिए कोई भी हानि नहीं होगी और सर्वमप्य धर्म से त्रायते महतो भया थोड़ा सा भी अगर आप इसमें कार्य करोगे तो बड़े से बड़े खतरनाक भय से आप बच जाओगे। और भगवान ने कहा व्यवसायात् कहा बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखा अनंता से बुद्धयो अव्यवसाय नाम अगर एक ही पॉइंट पर टिकी होगी तो फिर एक ही आपकी व्यवसाय जो बुद्धि होगी एक ही पॉइंट पर टिकी होगी तो ही आपके लिए बेहतर है क्योंकि बहुशाखा अनंता से बहुत बहुत शाखाएं होती हैं जिसके अंदर वो कभी दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो सकता है संकल्प उसका दृढ़ नहीं होता है। और बाद में भगवान ने आना वेदों के विषय में बताया यहाँ विमान पुष्पता वाचन प्रवेदंतिवत विपर्षिता के वेदों के अंदर बहुत ही पुष्पिता वाच्य फ्लावरी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उनकी ओर हमें आकर्षित नहीं रहना चाहिए। और आगे कहा भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया क्योंकि भोग और ऐश्वर्य की और आसक्ति जो है हमारी चेतना को किडनैप कर लेती है और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो ना विधि है। लेकिन यदि हम इस तरह से कार्य करेंगे तो कभी भी समाधि में स्थित नहीं। यानी कि भगवान ने ये तो बताया उसको भगवान ही जस्ट ग्लोरीफाइड थे किस तरह से अगर आप बुद्धि योग में रहकर काम करते हो 128 होकर काम करते हो तो कितना आपका फायदा होता है। लेकिन उसको ये नहीं बताया कि कैसे करना है आपको आपको बुद्धि योग में कैसे स्थित होना है वो आज भगवान हमें बता रहे हैं। वास्तव में बुद्धि योगा कोई पर्टिकुलर योग साधना नहीं है। जैसे योग साधना क्या है कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग अष्टांग योग भक्ति योग। लेकिन बुद्धि योगा जो है
वो कोई पर्टिकुलर साधना नहीं है कि ये बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या है? योग का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन विद होम, कनेक्शन विद एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है उसके साथ आपका रिश्ता जोड़ना। अब किसके जरिए? वो अपना अपना होता है, जैसे कर्म के जरिए, ज्ञान के जरिए, ध्यान के जरिए। लेकिन अभी यहाँ पर हम बुद्धि योग कर रहे हैं, तो कनेक्शन विद सुप्रीम सोल, सुप्रीम ट्रुथ थ्रू द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धि के द्वारा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना। और वो कब हो सकता है? जब आप पहले, भगवान ने क्या कहा, ऐसा त्यागी का सांख्य, जब आप पहले अपने आप को आत्मा के स्तर तक लाओगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हम आत्मा हैं। और आत्मा के कल्याण के लिए जो हम बुद्धि यूज करेंगे, उसके बाद जिस तरह से हम भगवान के साथ अपना योग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बुद्धि योग, फिर वो भक्ति योग बन जाएगा। क्योंकि अब आत्मा के कल्याण के लिए अब भगवान के विषय में जानकर भगवान के साथ अपना रिलेशन जोड़ रहे हो, तो वो भक्ति योग हो गया। जैसे ये बुद्धि योग मिश्रित है, ये कर्म योग भी है और भक्ति योग भी है। ये कैसे है? When the बुद्धि is on the level of आत्मज्ञान, सिर्फ आत्मज्ञान तक ही है, then the yoga will be performed, that will be कर्म योगा। यानी यदि सिर्फ आप आत्मा को ही समझे हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा हूँ इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, तो फिर वो कर्म योग हो जाएगा। क्योंकि अभी तक भगवान के साथ आपका अटैचमेंट नहीं हुआ है, खाली क्या हुआ है, आप बुद्धि योग से इस लेवल तक आए हो कि आप आत्मा हो। एंड व्हेन द बुद्धि इज ऑन द लेवल ऑफ कृष्ण तत्व ज्ञान, लेवल ऑफ भगवत ज्ञान, देन यू वॉन्ट टू प्लीज कृष्ण एंड वॉन्ट टू रियलाइज कृष्ण एंड वॉन्ट टू लव कृष्ण। तो उस टाइम पर जब हम कृष्ण के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ देते हैं, एट दैट लेवल बुद्धि योगा विल बी भक्ति योगा। फिर वो बुद्धि योग ही भक्ति योग बन जाती है, जब हम आत्मा को जानने के बाद भगवान को, परमात्मा को, या जो आत्मा जिसका अंश है, उसको जानने का प्रयास करते हैं और उसके साथ अपना योग जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ये बुद्धि योग भक्ति योग में परिवर्तित हो जाती है। अब भगवान ने जो अब तक बुद्धि योग के विषय में बताया है, अब भगवान इसी थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्शन में बता रहे हैं कि कैसे आपको इसको अपने जीवन में उतारना है। भगवान कहते हैं दूर से ही, कीप इट फार अवे, इन सबको, किस चीज को दूर कर देना है? अवरम कर्म, जो अवरम कर्म है, यानी कि जो गृहस्थ निंदनीय कर्म है, उनको किस तरह से दूर कर दो? बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि के साथ में योग करो और जितने भी अवरण कर्म है उनको छोड़ दो। तो यहाँ पर अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान कह रहे हैं कि जो अवरण कर्म जिसके विषय में बोल रहे ना, वो युद्ध का कर्म है, कि युद्ध के विषय में तो भगवान नहीं कह रहे हैं कि युद्ध जैसा निंदनीय कार्य है वो आप छोड़ दो, वो नहीं करो। तो ये सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया है 3.1 में। अर्जुन बोल रहे हैं 3.1 में, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरेमा नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सत्काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं? यानी कि अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान कह रहे हैं कि जो हियावरम कर्म है वो जंग वाला, युद्ध का कर्म है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि कर्म कांड, यानी फल के जो आसक्ति में आप कर्म कर रहे हो ना, उसको त्यागो। भगवान कर्म को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान सिर्फ कर्म के अंदर जो आपकी आसक्ति है उसको त्यागने के लिए कह रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, कि उसी बुद्धि के साथ आप उसकी शरण में आ जाओ। अब आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आखिर में बताएंगे 18.66, उसी की झलक दिखा रहे हैं कि आपको भगवान की शरण में आना है। और कृपणा फल है स्वाहा, कृपणा का मतलब होता है कंजूस, वो कंजूस हैं जो अपने फलों, अपने कर्मों का फल चाहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने
उनको कंजूस क्यों कहा है? क्योंकि कंजूस जो व्यक्ति होते हैं उनके पास बहुत धन होता है लेकिन वो अपने धन को इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने धन को संभाल के रखते हैं लेकिन उससे कोई खुशी प्राप्त नहीं करते हैं। उनका धन जो है वो ऐसे ऐसे जमा होता रहता है, जमा वो कठिन मेहनत करते हैं उस धन को जमा करने के लिए लेकिन उससे कोई खुशी हासिल नहीं करते, कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं करते। उसी तरह से जो लोग बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, यानी कि कृष्ण बुद्धि योग नहीं करते हैं, वास्तव में जो भौतिक लोग होते हैं ना उनके पास भी बहुत सारी बुद्धि होती है। तभी तो देखो कोई कंप्यूटर इन्वेंशन करते हैं, कोई है ना LCD बनाते हैं और इतनी सारी अलग अलग इन्वेंशन हो रही हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, जेट बन रहे हैं और हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। कितनी बुद्धि होगी उनकी, इतनी विकसित बुद्धि है जिससे वो इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस बुद्धि के साथ योग नहीं करते हैं, भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, भगवान के साथ अपना जो कनेक्शन है उसको नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे, तो जिस तरह से कंजूस व्यक्ति अपने धन को इस्तेमाल करके कोई खुशी प्राप्त नहीं कर सकता, उसी तरह से जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़कर कोई कार्य नहीं करता है तो वो कभी भी कोई आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि धन जिसके पास होता है वो भौतिक सुख प्राप्त नहीं करता है तो उसको कंजूस कहते हैं, लेकिन बुद्धि जिसके पास है और वो बुद्धि से कोई आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं करता है, केवल अपनी बुद्धि को केवल आहार निद्रा भाई मैथुन कैसे मैं अपने जीवन को अच्छे से अच्छा भौतिक सुख प्रदान करूं, कैसे अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भोग अर्जित करूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त बुद्धि को केवल इसके लिए यूज किया करता है तो फिर भगवान कहते हैं कृपणा फल हेतव, वो तो कंजूस है क्योंकि इतनी सुंदर मैंने उसको बुद्धि दी। यदि वो इस बुद्धि को बुद्धि योग कर देता भगवान के साथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ देता अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपनी बुद्धि के थ्रू, तो फिर वो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकता था। लेकिन क्योंकि सकाम कर्मों में उलझ कर रह गया है, केवल सकाम कर्मों के फलों को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर उसको तो मैं कृपा ही कहूँगा। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से समझाएंगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद सौपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण महानामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त और सारे कर्मों को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं करता है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कार्य करता है लेकिन सारे कार्य कैसे करता है, कृष्ण महानामृत में स्थित होकर करता है। वास्तव में कर्म जो है वो तब भक्ति बन जाती है जब वो भगवान की सेवा में यूज किया जाता है। वही कर्म चेंज नहीं होता, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो यदि हम भगवान के दास स्वरूप में कार्य करते हैं कि भगवान ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, ये सारे कार्य डिस्क्राइब किए हैं मुझे करने के लिए, भगवान ने ये आज्ञा दी है, तो फिर अपने स्वरूप को समझ लेता है वह जब वो दास के रूप में, तो कृष्ण महानामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त वो कोई कार्य नहीं करता। सदैव यही सोचता है कि मैं भगवान की खुशी के लिए कार्य कर रहा हूँ। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। यहाँ पर कर्म करने का तरीका बताया गया, सही रास्ता बताया गया कि आपको क्या करना है, अपनी चेतना को भगवान के अंदर लगाना है और उसके लिए ही कार्य करना है। असल में कर्म भक्ति नहीं है, लेकिन जब उस कर्म में भक्ति की चेतना जो है वो हम एड कर देते हैं तो वो कर्म भी भक्ति बन जाता है। केवल आगे प्रभुपाद जी कहते हैं केवल कृपण ही अपने सकाम कर्म का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे विभाव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जो कृपण है यानी अपनी बुद्धि को यूज नहीं करते, बुद्धि योग में कृष्ण महानामृत को स्वीकार नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं केवल अपने फलों का भोग भोगने के लिए कोशिश करते रहते हैं और उन्हें इतनी अक्कल नहीं आती है कि वो इन फलों के सकाम फलों के भोग को भोगने की आशा में
और अधिक कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। एक सा काम कर्म करते हैं उसको भोगने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है, दूसरी जगह पे उसको जाना पड़ता है, तो किंतु इससे अभाव बंधन में अत्यधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण महानामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे घृणित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। यहाँ पर श्री रघुपाल जी बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने जो कहा है कि अवरम करणम, यानी कि जो निंदनीय कर्म है, जो घृणित कर्म है, उसका मतलब क्या है कि ऐसे कर्म जो आपको भाव बंधन में फंसाते हैं, और वो कौन से कर्म होते हैं, यहाँ पर श्री रघुपाल जी उसको विस्तार से बता रहे हैं कि कृष्ण महानामृत के अतिरिक्त, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के अलावा आप जितने भी कर्म संपन्न करते हो वो सारे घृणित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसता जाता है। क्योंकि अगर आप खुद को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हो, तो वह कार्य कितना ही शुभ क्यों ना हो वो निंदनीय है, घृणित है, क्योंकि वो आपको जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं ये दूरेण ही अवरम कर्म, उन सब कर्मों को त्यागो, मतलब कर्म नहीं जानना है, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि को योग में स्थित करना है, यानी कृष्ण महानामृत को स्वीकार करके आपको अपना कार्य करना है, ताकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसो और ये श्रृंखला समाप्त हो जाए। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कोई भी कार्य आप करो, कारण नहीं बनना है आपको, मैं इसलिए कार्य करना हूँ क्योंकि मुझे ये कार्य करना, इसलिए नहीं, मुझे ये कार्यभार सौंपा गया है, मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए कारण, सर्व कारण कारणम तो भगवान है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं केवल भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ, और जो मुझे ड्यूटीज भगवान ने दी है उनको निभा रहा हूँ, ये सोचकर कार्य करना चाहिए। कृष्ण महानामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कार्य क्यों किया जाना चाहिए? केवल इसलिए क्योंकि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मुझे भगवान ने इस जगह पर इसलिए भेजा है ताकि मैं कार्य करूं। तो अपने कर्म त्यागने के लिए भगवान ने नहीं कहा दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग में स्थित होकर अपने कर्मों को त्यागो नहीं, अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित बनाओ, कृष्ण भावना में कर्म योग को बुद्धि योग में परिवर्तित कर दो। कृपणों को यह ज्ञात नहीं होता है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग किया जाए। श्री बाबा जी यहाँ पर अब जो कंजूस लोग हैं ना, उनके विषय में बता रहे हैं कि इनको ये पता ही नहीं होता है कि वो जब इतने अमीर हो गए हैं, इतना उन्होंने धन एकत्रित कर लिया है, तो फिर ये सारा धन जब उन्हें मिल गया है तो उसको कैसे यूज करें, उनको ये पता ही नहीं चलता है। यानी श्री बाबा जी कहते हैं कृपणों को ये ज्ञात नहीं होता है कि दैववश यानी कि खुशकिस्मती से और बहुत ही मेहनत करने से, कठोर श्रम से उन्हें जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसको कैसे यूज करें, वो क्या करते हैं, तिजोरी में रखते संभालते गिनते रात को रोजाना, लेकिन उसको यूज करना उन्हें नहीं आता है। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। उसी तरह से हमें जो दूसरी शक्ति अर्थात बुद्धि और दूसरी शक्तियाँ मिली है वो सारी की सारी भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करना चाहिए। इससे कहते हैं बुद्धि योग, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। वास्तव में जो भी कुछ हमें मिला है उसको यूज करने का क्या वास्तविक रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो, सफल कैसे होगा कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने से बच जाएंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम कृष्ण महानामृत में कर्म करेंगे। तो यहाँ पर श्री भगवान जी बोलते हैं अपनी सारी शक्तियाँ जो है वो कृष्ण महानामृत अर्जित करने में लगाओ, ताकि आपको आपका जीवन सफल हो सके, आपको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसना पड़े। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, यानी कि जो अभागे होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जिनके पास इतनी अकल नहीं होती है, इतने कंजूस होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जो उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हुई है, चाहे वो धन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे शक्ति हो, चाहे कुछ भी, अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छा जो भी आपको अच्छा मिला है, जो आपका है, उसको आप कैसे भगवान की सेवा में लगाओ। तो फिर भगवान यहाँ बश्रा बाबा जी बोलते हैं, जैसे कंजूसों को पता नहीं होता है कि अपना धन कैसे मैं अपनी खुशी के लिए यूज करूँ, उसी तरह से जो कंजूस होते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि वो अपनी
भौतिक शक्तियाँ कैसे आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए यूज करें। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं बुद्धौ शरणम अनिंच, कि आप बुद्धि के जरिए शरण में आ जाओ और शरण में आकर कार्य करो, यानी कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करो। और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 57 में बताते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संयस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाशित्य मत चित्ता सततम भव, कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो। ये मत सोचो कि मैं खुद से कोई कार्य कर सक रहा हूँ या मैं अपनी मर्जी से कोई, जो भगवान की इच्छा है उसी के अनुसार मुझे कार्य करना है। और भगवान आगे कहते हैं मई संयस्य मत्परा, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो बुद्धि योगम उपाश्रित्य, ऐसी भक्ति से क्या करें मत चित्त सततम भवा, मेरे प्रति पूर्ण सचेत हो जाओ, मेरे बारे में सोचो। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती है, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। इसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको मुझ पर निर्भर रहना है, चाहे फल जो भी मिलता है, अच्छा मिलता है बुरा मिलता है, आपको केवल बुद्धि योग अपनाना है। और बुद्धि योग कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10.10 में। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम, जो कंटिन्यूस मेरे पवित्र नाम का जप करते रहते हैं, मेरे विषय में बात करते हैं, प्रेम से मुझे भजते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, उन्हीं को क्या करता हूँ ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग तो मैं उन्हीं को प्राप्त प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप सबको समझ